calling, guys. These bad dance make it hurt. So, hey, good morning, everyone. तो वेलकम टू माई चैनल. तो मैं सोच रही थी कि आज आपको दिखाते हैं अ डे इन माई लाइफ. सो टुडे इज संडे. एंड अभी काफ़ी कुछ करना है यार, तो आपको दिखाते हैं कि हाउस वर्क लाइफ बैलेंस एंड वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस थिंग. चाय के बिना तो मेरी मॉर्निंग शुरू ही नहीं होती है एकदम. तो मैं फटाफट मेस से जाके अपने लिए एक कप चाय लेके आती हूँ एंड फिर हम काम करना बैठेंगे. मतलब मुझे पता ही है चाय मेरी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है, बट आई डोंट नो यार, मैं जब तक सुबह एक कप चाय पी ना लूँ ना मेरा दिमाग चलता ही नहीं आए. आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आता ये क्या चीज़ है. टेबल चेयर खरीद के ना मैंने अपने लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है, बेस्ट डिसीजन, बिकॉज इट हैज़ इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी सो मच यार. मतलब पहले मैं सुबह काम कर ही नहीं पाती थी बिकॉज ऑब्वियसली बेड पे काम करना है, आप सुबह सुबह उठे हो तो बहुत ही दिक्कत हो जाती थी. एंड देन मैंने बहुत सारे एटॉमिक हैबिट्स में बुक मतलब पढ़ा था कि 3 साल पहले ऑलमोस्ट मैंने पढ़ी थी कि सेपरेशन ऑफ स्पेसेस, मतलब हम हमेशा एक जगह से ना एक इमोशन अटैच कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हमारे पास अलग से रूम्स तो है नहीं, स्टडी रूम एंड दिस, तो हम जगह से इमोशन अटैच कर सकते हैं. जैसे ये टेबल चेयर कि नेवर हैव फन एट दिस, कभी भी इस पर मूवी मत देखो, सीरीज मत देखो, इससे इमोशन अटैच कर दो कि यहाँ बैठे तो काम ही करना पड़ेगा, वहाँ तो मज़े कर सकते हो. मज़े करने अगर बीच में मन कर रहे हैं ना तो यहाँ से उठो और वहाँ जाके बैठो, क्योंकि इससे एक इमोशन अटैच होना चाहिए. तो ये मैंने एटॉमिक, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. तो ये मैंने एटॉमिक हैबिट से पढ़ा था एंड आई बिलीव इट्स ट्रू, इट्स 100% ट्रू, इट वर्क्स. तो आप भी ट्राई कर सकते हैं. तो मैं अभी फटाफट चाय लेके आती हूँ. एंड मैंने वीडियो शूट करने के चक्कर में अपना काम सुबह बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है. बैड डे, बैड डे गाइस, बैड डे. सारा वाइब खराब कर दिया वीडियो का. कहा मैं एस्थेटिक बनने की कोशिश कर रही थी, पर व्हेन यू आर क्लमजी एज हेल नथिंग कैन हेल्प यू, यू नो नथिंग कैन हेल्प. पर ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हो जो हो गया सो हो गया एंड लेट्स फोकस ऑन द वर्क. अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, अगर आप IITs या PSUs का तैयारी करना चाहते हैं एंड आप एक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं यार, फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिए हैं बहुत सारे बेहतरीन फाउंडेशन कोर्सेज. तो आप बेसिकली अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं गेट वाला के 2027 बैचेस के साथ. बहुत सारे बैचेस हैं जैसे कि श्रेष्ठ ESC+ गेट का 2027 वाला बैच हो गया, देन पराक्रम के बैचेज हो गए, देन विजय का रैंक इम्प्रूवमेंट बैच हो गया, देन आपका श्रेष्ठ एंड पराक्रम दोनों के PSU+ प्लेसमेंट प्रिपरेशन के भी. ऐसे ही आपके पास बहुत सारे बैचेज हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनमें कि PSUs, प्लेसमेंट प्रिपरेशन सब कुछ कवर किया गया है. यही नहीं, मतलब एक जर्नल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लिए भी स्पेशलाइज्ड बैच यहाँ पे आपको मिल देगा. एंड नाउ यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इन्फिनिटी लर्निंग विद बैच इन्फिनिटी, जिसमें आपको मिलेगा गेट खजाना, PYQ बुक्स एंड PYQ क्वेश्चंस एंड लॉट मोर थिंग्स. एंड द कोर फीचर ऑफ दिस बैचेज आर लेक्चर प्लानर एंड टेस्ट प्लानर विल बी अपलोडेड इन द बैच नोटिस सेक्शन. क्लासेज विल बी देयर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, रेगुलर टेस्ट विल बी कंडक्टेड, डाउट इंजन्स विल बी देयर, PYQs विद वीडियो सॉल्यूशंस फॉर रेलेवेंट सब्जेक्ट, लाइव लेक्चर्स बाय द बेस्ट फैकल्टी ऑफ इंडिया. यू कैन ऑल्सो बाई PW बुक्स विच कंटेन्स टॉपिक वाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम पास 16 years, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी. सो डोंट मिस आउट ऑन दीज थिंग्स बिकॉज PW हैज गॉट यू कवर्ड. यूज माई कोड GARIMA500 टू गेट एडिशनल 500 rupees डिस्काउंट. तो अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा काम कर लिया है मैंने, तो आधा घंटा तो खराब भी हो गया था भाई चाय गिरने पे.
बट कोई नहीं, तो अभी चलते हैं अपन मेस और करते हैं ब्रेकफास्ट. लेट्स गो. अभी हम मेस पहुंच चुके हैं. अभी आपको एक चीज दिखाती हूँ. तो हमारे यहाँ गणपति जी आए हुए हैं, तो अभी मैं नहाई नहीं हुई तो मैं दूर से दिखाती हूँ. बट पता नहीं आज मैं इसमें क्या बनाऊंगा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. फिंगर्स क्रॉस्ड. इधर है मेथी थेपला. कुछ बना हुआ है ब्रेकफास्ट में, आपको मैं दिखाती हूँ. यहाँ पे थेपला बना था, देन कॉर्न थे, देन ये कोई सब्जी थी, तो आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे अच्छी लगेगी यानी, इसलिए मैंने पनीर भुर्जी भी ले ली. देन वी हैव वाटरमेलन एंड हमारे पास अमरूद भी है, तो काफ़ी कुछ है, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है. डन एंड यार मैं आई रूम पे एंड आई स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ आवर स्क्रोलिंग इंस्टा. आई डोंट नो, आई थिंक मैं मतलब मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि वी ऑल डू दिस एंड जो कि मतलब करना नहीं चाहिए, बट वी ऑल हैव बैड हैबिट्स, तो कुछ नहीं कर सकते उन चीज़ों का. अभी कर सकते हैं बट यार मतलब, तो अभी लेट्स गेट बैक टू वर्क. तो अभी फाइनली आफ्टरनून का टाइम हो गया एंड अभी लंच करके आई एम गोइंग टू लैब. यार बहुत काम करना है क्योंकि हमारा APS आने वाला है. अगर मैं आपको APS क्या होता है बताऊँ, तो बेसिकली हर PhD फेलो का एक एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार होता है कि उन्होंने एक साल में क्या किया, तो दे हैव टू डिफेंड देयर वन ईयर बेसिकली. तो मेरा वो बहुत ही क्लोज आने वाला है, तो आई हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड. तो अभी जस्ट कॉम वगैरह करके लेट्स गो टू लैब. वी हैव रीच द इन्फिनिटी कॉरिडोर जहाँ से IIT के सारे डिपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं. सो हैव अ लुक एट इट. सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर इन्फिनिटी कॉरिडोर एंड एज आज संडे तो ऑब्वियसली काफ़ी भीड़ नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी क्योंकि मिड सेमेस्टर आने वाले हैं, तो लेक्चर हॉल्स में लोग आके पढ़ रहे होंगे, तो स्टिल यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हेयर. एंड जो बेस्ट थिंग है यार, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सबसे फर्स्ट है, तो मतलब हॉस्टल के यार बहुत ही ज़्यादा करीब है. आई थिंक दिस इज़ द क्लोजेस्ट डिपार्टमेंट टू द हॉस्टल, विच इज़ रियली रियली गुड. मेरा तो बहुत ही काम बच जाता है, तो मुझे साइकिल भी बाय नहीं करनी पड़ी. सो दिस इज़ माई लैब एंड संडे को भी हमारे सीनियर्स काम कर रहे हैं. ही इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय इन द लैब. रियली? या सीट दिखाती हूँ मैं अभी क्या चल रहा है. गणपति सो दिस इज माई वर्क प्लेस लैब का. बोल अभी कुछ और घंटे काम करते हैं. सी यू लेटर. तो फाइनली अभी मैं रूम पे आ गई हूँ. ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं एंड अभी मैं जस्ट लैब से आई हूँ एंड आज लंच नहीं किया था, तो स्नैक्स भी मैंने बाहर ही कुछ सैंडविच ऑर्डर करके खाया एंड जस्ट अभी मैं रूम पे आई हूँ. अभी मन कर रहा है कि संडे वाली वाइब आ रही कि बाहर जाते हैं कहीं फ्रेंड्स के साथ, बट एनीवे अभी APS आने वाला है तो उतना तो नहीं हो पाएगा. एंड मोर ओवर एज आई एम गोइंग टू जिम, तो जिम भी करना है. बट या यही है. एंड जो कि वीडियो का टाइटल था यार, वर्क लाइफ बैलेंस एट IIT, तो मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ नॉट माई एवरी संडे रूटीन. मतलब एवरी संडे आई गिव टाइम टू माई सेल्फ. मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं खुद के साथ रहती हूँ. कभी यूट्यूब का कॉन्टेंट प्लान करना होता तो वो करती हूँ, और अगर कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है तो आई
वॉच सम मूवी और एनीथिंग एंड आई कीप माई संडे फॉर माई सेल्फ. एग्जैक्टली चलते हैं थोड़ी देर में जिम जाते हैं रेडी होके. तो या सो फाइनली डिनर करके मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ एंड अभी इट्स रेस्ट टाइम. मतलब पूरा दिन इट वॉज सो हैक्टिक डे यार. मतलब मैं जिम वाला तो मतलब बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे थे, बहुत सारी लड़कियाँ वर्कआउट कर रही थी एंड इट बिकम्स यू नो डिफिकल्ट टू शूट क्योंकि मतलब नॉट एवरी वन लाइक्स ना यू टू कम इन टू द वीडियो और उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो. तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बहुत एक दो मैंने खुद का ही क्लिप्स रिकॉर्ड किया तो मैं वही जस्ट पोस्ट कर रही हूँ. थोड़ी देर देखते हैं लैपटॉप पे कुछ बिंज वॉच करते हैं, थोड़ा बहुत बिंज वॉच नहीं मतलब एक ही एक दो एपिसोड ही देखती हूँ तो वो देखती हूँ एंड उसके बाद पढ़ेंगे बुक. आपको फाइनल चीज दिखाती हूँ, फाइनल चीज एक दिखाती हूँ आज की लास्ट चीज. तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं उसके लिए मैं पहले. ये देखो इट लुक्स रियली अमेजिंग. ऐसे मैं रात के आई थिंक 15-20 मिनट में ऐसे बैठ के हाँ इस लाइट में स्क्रॉलिंग करती हूँ और फिर थोड़ी देर ऐसे यहीं से होके सो जाती हूँ. सो I hope guys like this video and if you do so you know what you have to do. Thanks for watching this video. See you in the next video. Bye bye. Good night.